जय हिंद। हजारीबाग का एक लड़का अपना पूरा जीवन जो है वो राष्ट्रवाद के लिए समर्पित कर देता है, राम के लिए समर्पित कर देता है और वहां के स्थानीय राष्ट्रवादी नेताओं के लिए समर्पित कर देता है। रामनवमी का जुलूस निकालता है। मोहद्दी एक जगह है हजारीबाग में जहां पे पिछले 40 साल से रामनवमी का जुलूस जो है नहीं निकाला गया था। अब क्यों नहीं निकाला गया था वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे विशेष समुदाय के लोग रहते थे इसलिए नहीं निकाला गया था। इन्होंने रामनवमी का जुलूस निकाला। जब रामनवमी का जुलूस निकाला तो झारखंड की सरकार हिल गई कि आखिर जो है हम लोग जो है धर्मों में लोगों को बांट के रखते हैं और कोई व्यक्ति जो है रामनवमी का जुलूस क्यों निकाल सकता है, और उस जगह पे जहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जबकि हिंदू मंदिर में हिंदुओं के द्वारा जो है इफ्तार पार्टी दिया जाता है, वहां पे जो है आपसी सौहार्द की बात होती है, और जब मुसलमानों की गलियों से जब रामनवमी का जुलूस निकल जाता है तो झारखंड की सरकार को लगता है कि नहीं, ये मुस्लिम वोट बैंक है, हमारा है और इस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, कोई रामनवमी का जुलूस निकालेगा तो हम उसको गिरफ्तार करवा लेंगे। और आनंद फानंद में जो है नोकझोंक होता है और उसके बाद से FIR हो जाता है, और FIR होने के बाद अनेकों लोगों पे गाज गिरना शुरू हो जाता है। जब तक चुनाव रहता है, 2024 का लोकसभा का चुनाव रहता है, तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है और चुनाव के बाद लगातार छापामारी 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 और लगातार गिरफ्तारी। और उसी में से एक नाम है अमन बाबा का, हजारीबाग के रहने वाले हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जब वो जेल जा रहे हैं तो वो अपने बच्चे को जो है पकड़ के रो रहे हैं। वो वीडियो जो है वायरल हो रहा है लगातार। ये व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है राष्ट्रवाद की बात करता था, वहां पे लोगों की मदद करता था, ये देख सकते हैं। और ये उसी समय का फोटो है जब रामनवमी का जुलूस निकला था, ये देखिए। हालांकि जब मैं मदुरई जेल में था तो अमन बाबा जो है मेरे से मिलने आए। इनकी मां ने भी मेरे लिए वीडियो बनाया था, इनका बेटा ने भी मेरे लिए वीडियो बनाया था, और ये एक भाई के रूप में मेरे लिए खड़े थे। मैं मनीष कश्यप अमन बाबा के लिए एक भाई के रूप में मैं खड़ा रहूंगा। उम्र में मेरे से छोटे हैं तो मैं बड़ा भाई के रूप में जो है मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा। और बहुत जल्द मैं हजारीबाग आ रहा हूं। मैं विनती करना चाहता हूं, शांतिपूर्वक तरीके से मैं विनती करना चाहता हूं कि भाई आखिर झारखंड में ऐसा कब तक होते रहेगा? अगर इनकी रिहाई जो है वो 7 दिनों के अंदर नहीं होती है, इनकी गिरफ्तारी से लेके इनकी रिहाई जो है 7 दिनों के अंदर नहीं होती है, तो हम सभी लोग जो है ना झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास को जो है घेरेंगे और पैदल चल के जो है घेरेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के आवास को। बस 7 दिन के अंदर इनकी रिहाई होनी चाहिए। गुनाह क्या है आप बताइए तो सही, गुनाह क्या है जरा ये बताइए। रामनवमी का जुलूस निकालना गुनाह है, और रामनवमी का अगर जुलूस निकल रहा है और वहां पे अगर कुछ हो रहा है तो वो आपकी प्रशासन की फेलियर है। वो आपके प्रशासन वाले लोग जो है वहां पे फेल हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, और ये वहां पे जो है झारखंड के सरकार के खिलाफ जो है चंपई सोरेन के खिलाफ जो है पुतला दहन जो है वहां के युवा करना शुरू कर दिए, आप देख सकते हैं। देखिए हजारीबाग के युवा चंपई सोरेन के खिलाफ जो है पुतला दहन करना शुरू कर दिए हैं, और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बगोदर की जो इकाई है उसने जो है ये विरोध किया। देखिए यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बगोदर इकाई ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। आखिर विश्व हिंदू परिषद RSS के, विश्व हिंदू परिषद के और BHP के बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है कब तक जो है बलि का बकरा बनते रहेंगे? राजनीतिक पार्टियां जो है कब तक जो है इनको टारगेट करती रहेगी? झारखंड की सरकार जो है कब तक इनको टारगेट करती रहेगी? कब तक? आखिर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, उन्हें टारगेट करना कब छोड़ा जाएगा? ये जितने भी लेफ्ट विंग की पार्टियां हैं, लेफ्ट विंग के लोग हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें लगता है कि सबसे आसान टारगेट जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले हैं, इनको टारगेट करो,
तो ये देखिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोग जो है अब जो है अमन बाबा की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है चंपई सोरेन की सरकार को जो है सबक सिखाने के लिए जो है अब सड़कों पे उतर रहे हैं। मैं विनती करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है इनको जो है रिहाई कर दिया जाए, एकदम इनकी रिहाई होनी चाहिए और किसी भी हाल में इनकी रिहाई होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कब तक जो है हिंदुवादी कार्यकर्ता जो है हिंदुवादी लोग जो है वो टारगेट होते रहेंगे, आखिर इन्हें कैसे बचाया जाए। देखिए यहाँ पे लोग जो है वीडियो बनाने लगे हैं। देखिए जेल जाने के समय का ये फोटो है और ये बंदा जो है जेल जाता है उस समय भी डरता नहीं है एकदम, ये देख सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए जेल गए हैं, अगर आप लोगों का ये मदद करते थे तो। देखिए यहाँ पे देखिए उनकी माँ है, अमन बाबा की माँ है, अमन बाबा के पिताजी हैं, भाई है, अमन बाबा की बीबी है, अमन बाबा का बच्चा है। और इन लोगों को जो है मजबूरी में, ये लोग जो है मजबूरी में जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, झारखंड की सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई ट्विटर पे हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। आखिर ऐसे ही ना हिंदुवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का मनोबल धीरे धीरे टूटते जाता है और उसके बाद से वो लोग शांत हो जाते हैं, और धीरे से शांत हो जाते हैं तो 2024 का रिजल्ट हो जाता है, और 2024 का रिजल्ट 2029 में ना हो और 350-400 सीटें आए तो उसके लिए जो है मैं यही कहूंगा कि आप सभी से विनती है, जितने भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करें, स्थानीय कार्यकर्ताओं की रक्षा करें। आप लोग अपने स्थानीय मोदी जी के कंधे पे जो है सब कुछ छोड़ देते हैं कि सब कुछ करेंगे मोदी जी ही। अब अमन बाबा को मोदी जी जेल से थोड़ी निकालेंगे, वहां के स्थानीय नेताओं का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो लोग आवाज उठाए, वो लोग जो है कम से कम ट्वीट तो कर सकते हैं। अभी तो वहां के स्थानीय नेताओं का ट्वीट तक नहीं आया, वहां के विधायक सांसद का ट्वीट तक नहीं आया इनके लिए, जरा ये सोचिए। तो ये कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और मैं आप लोगों से विनती करूंगा, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं उन सभी से विनती करूंगा कि इनके समर्थन में आवाज उठाए और इनके लिए वीडियो बनाए। और मनीष कश्यप बहुत जल्द जो है हजारीबाग आएगा, मैं आऊंगा हजारीबाग और इनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा। बाकी हजारीबाग के जितने भी युवाओं ने इनका साथ दिया है, इनके लिए आवाज उठाया है, इनका के समर्थन में जो है फेसबुक पे पोस्ट किया है, उन सभी भाइयों को जो है तहे दिल से धन्यवाद। और देखिए मैं एक चीज और मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, हम अपने भाई को छुड़ा लेंगे लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून के साथ जो है हम लोगों को चलना है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन की कहीं गलती नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, बाकी आप लोगों की मर्जी, स्थानीय पुलिस प्रशासन की कहीं गलती नहीं है, कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार के दबाव में जो है ये सब काम जो है वो पुलिस को करना पड़ता है, क्योंकि मैंने भी अपने केस में देखा है कि सरकार के दबाव में किस प्रकार से प्रशासन काम करता है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रदर्शन, जो भी मांग हो अमन बाबा के लिए, वो शांतिपूर्वक तरीके से हो और कानून को के साथ मिलके हो, कानून को हाथ में नहीं लेना है, कानून के साथ मिलके जो है काम करना है हम लोगों को। और बस बाकी आप लोग जो है अमन बाबा के बारे में क्या सोचते हैं, इन्हें जो है जेल से कैसे निकाला जाए, इनका कैसे मदद किया जाए, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो भारत के किसी भी कोने में अगर फंसते हैं तो उनका किस प्रकार से मदद होना चाहिए, इस पे जो है आप लोग अपना राय जरूर रख सकते हैं। मैं अपने भाई के साथ था, हूं और रहूंगा, मैं अपने भाई के लिए आवाज उठाता था, हूं और रहूंगा, और मैं अमन बाबा के लिए तब तक लड़ूंगा जब तक वो जेल से नहीं निकल जाते हैं। जय हिंद।